नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर बनने का फैसला आया, लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे किस शख्स का हाथ है? आज हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शख्स से शख्सियत बन जाते हैं और लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। या यूं कहें, ये लोग अपने जीवन में काम ही कुछ इस तरह करते हैं कि इतिहास इन्हें दर्ज करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे ही एक शख्स हैं रंजन गोगोई। जी हाँ, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अभी अभी 17 नवंबर 2019 को इन्होंने अपने कार्यकाल से रिटायरमेंट ले लिया। 15 नवंबर 2019 को इनका सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन भी ये काम कर रहे थे और यहीं से उन्हें विदाई दे दी गई। उनका मानना था कि वकीलों को पूरी पूरी आज़ादी है बोलने की और ये आज़ादी उन्हें मिलनी भी चाहिए, मगर जजों को ये आज़ादी मौन रहकर इस्तेमाल करनी चाहिए। उनका मतलब ये कतई नहीं था कि जजों को चुप रहना चाहिए, बल्कि अपने कार्य का निर्वाह करते वक्त ही उन्हें बोलना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई 23 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 3 अक्टूबर 2018 को वे सुप्रीम कोर्ट के 46वें न्यायाधीश बने। जस्टिस गोगोई का जन्म 18 नवंबर को डिब्रूगढ़ जिले में हुआ, जो कि असम में है। उनके पिता केशव चंद्र गोगोई 1982 में सीएम रह चुके हैं, वे भी एक वकील थे। जस्टिस रंजन गोगोई की स्कूली पढ़ाई उनके डिब्रूगढ़ जिले में डॉन बॉस्को स्कूल में हुई। बाद में वे दिल्ली पढ़ने चले गए। फिर उन्होंने आखिर में वकालत का पेशा अपना लिया और गुवाहाटी में हाई कोर्ट में रजिस्टर कर लिया। यहाँ उन्होंने वकालत की और 28 फरवरी 2001 में वे यहाँ मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 2010 में उनका तबादला हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में हो गया और 12 फरवरी 2011 को वे यहाँ न्यायाधीश नियुक्त हुए। 23 अप्रैल 2012 को फिर वे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप में जज नियुक्त हो गए। सीजीआई के रूप में जस्टिस गोगोई ने कई अहम फैसले लिए, जैसे कि हमने आपको बताया। पहला फैसला था 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या फैसले में 5 संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता में उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला लिया। जस्टिस रंजन गोगोई एक ऐसे न्यायाधीश रहे जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कार्यालय को आरटीआई एक्ट के तहत लाने के लिए कहा। ये फैसला उन्होंने 13 नवंबर 2019 को सुनाया। उनका मानना था कि मुख्य न्यायाधीश कार्यालय भी आरटीआई एक्ट के अंदर आना चाहिए। फिर 2016 में उन्होंने अमिताभ बच्चन की आय पर टैक्स रिटर्न पर भी फैसला सुनाया। उनका मानना ये था कि अमिताभ बच्चन की आय और टैक्स रिटर्न की जांच दोबारा की जाए। अपने कार्यकाल के दौरान वे कुछ विवादों में भी घिरे। सीजीआई रहते हुए सुप्रीम कोर्ट की ही एक महिला कर्मचारी ने उन पर यौन उत्पीड़न का मामला लगाया, हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। अपने कार्यकाल के अंत में वे ये कहते सुनाए दिए गए कि मैं एक ऐसे संस्थान से जुड़ा जिसकी ताकत ही जनमानस का भरोसा और विश्वास है। उनका मानना है कि इंसाफ से कोई भी आम आदमी वंचित नहीं रहना चाहिए। वे कहते हैं कि मैं अब इस अति प्रतिष्ठित संस्थान का औपचारिक तौर पर तो हिस्सा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा इस संस्थान से जुड़ा रहेगा और मैं हमेशा इसकी श्रेष्ठ की कामना करता रहूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।